नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। आज है 12 अगस्त और शनिवार का दिन है, वीकेंड वाला दिन है। तो हम लोगों ने प्लान किया है एक दिन का ट्रिप। अभी हम लोग पुणे से निकल गए हैं लोनावला के लिए। टाइम हो रखा है अभी 5:30 बज रहे हैं और मैप में दिखा रहा है कि 1 घंटे में हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं लोनावला। आधे घंटे पहले हम लोग 5 बजे ही घर से निकले थे और 1 घंटे में पहुंचेंगे, तो होपफुली 6:30-7 तक हम लोग लोनावला पहुंच जाएंगे। लास्ट ईयर भी हम लोग महाबलेश्वर 2 दिन के ट्रिप पर गए थे, लेकिन पूरे दिन मानसून था, अगस्त का महीना था, तो पूरे दिन बारिश पड़ती रही। हम लोग अपने होटल रूम से बाहर ही नहीं निकल पाए थे। बट अभी हम लोगों ने पुणे में देखा कि पिछले वीक बारिश नहीं पड़ी है, मौसम थोड़ा ठीक ठाक है, तो इसीलिए आज प्लान किया कि लोनावला चलते हैं। तो देखते हैं कि आज वहाँ का मौसम बस ठीक रहे ताकि हम लोग सब जगह अच्छे से घूम सकें, बारिश वारिश ज़्यादा ना पड़े। रेनकोट वगैरह भी कुछ हम लोगों ने रखा नहीं है और पीछे स्वराज महाराज अपनी स्वेटर वगैरह पहन के बैठे हुए हैं। चलिए, और हाँ, मैं कहीं भी गई जैसे महाबलेश्वर या कहीं भी जाना होता था तो मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाती थी, मतलब ट्रैवल व्लॉग की तरह। पर ये वाला व्लॉग मैंने सोचा है कि रैंडम व्लॉग ही रखूंगी, जो जो हमने करा आज के दिन में वही सब कुछ इस व्लॉग में रहेगा। तो चलिए 6:30 बजे लोनावला पहुंचते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कहां कहां हम लोग घूमे। A few moments later. If I am not mistaken, is it raining outside? I mean, is it a cloudy weather or? हाँ। व्लॉग चालू होने से पहले खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, मैंने अभी दिखाया आपको। लोनावला में घुसते ही क्लाउड्स वगैरह दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब बारिश पड़ेगी कि तब, और रेनकोट वगैरह कुछ लिया नहीं है। मैंने मैप में लायंस पॉइंट का डाला है लोकेशन और 50 मिनट्स बता रहे हैं, पर बारिश जैसा माहौल हो रखा है पूरा। ये तो हाईवे से यू टर्न लेने का बोल रहा है, देखते हैं। सर आज हाय गाइस, अभी 2 दिन पहले स्वराज का फीवर ठीक हुआ है। गाइस ठीक है, आप गाइस को मैं बता रही हूँ कि आपको बुखार आ गया है गाइस। मैंने गाइस को बताया कि आपका बुखार 2 डेज पहले ठीक हो गया। 7 बजे हम लोग लोनावला पहुंच गए हैं और मौसम थोड़ा सा ढका हुआ था, बारिश जैसा मौसम हो रखा था, तो हम लोग अभी सुबह 7 बजे नाश्ता करने के लिए रुक गए हैं। आधा घंटा इधर जाएगा, इधर भी 7:30 से स्टार्ट है, तो आधा घंटा बैठना है, फिर उसके बाद आधा घंटा नाश्ते में जाएगा, तो 8 बजे तक यहाँ से निकलेंगे हम लोग। तो होपफुली तब तक मौसम खुल जाए। और पूरे सावन भर हम लोग लहसुन प्याज से दूर रहे हैं और आज फाइनली प्रभु को प्रणाम करके खा लेना है आज। ऑफिस वाले लोगों देख लो ये आज लहसुन प्याज वाला खाना खाने वाले। मजा आ गया पहले खाने तो पहले। तुक्के से घुसे थे लेकिन बहुत ही सही रेस्टोरेंट में घुस गए थे, प्योर वेज रेस्टोरेंट था, साथ में ही लहसुन प्याज भी ऐड किया हुआ नहीं था। किसी को अगर खाना है तो अलग से चॉप करके उन्होंने रखा हुआ था, तो वो अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। तो जो सावन में हम लोग बच के चल रहे थे फाइनली आज भी बच गए। रेजेंटा नाम है, स्पेलिंग में लिख दूंगी, तो अगर आप लोनावला जा रहे हो तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। नाश्ता करके निकल चुके हैं, जब से इधर पहुंचे तब से लगातार बारिश पड़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता पुणे से आ रहे हो कि मुंबई से आ रहे हो। पुणे मुंबई में धूप है तो भी लोनावला में तो बारिश पड़ेगी, या महाबलेश्वर में जिधर भी जा रहे हो। तो अभी अभी जाके अभी 9 बज गए हैं, अब जाके बारिश रुकी है, तो हम लोग जिस होटल में बैठ के खा रहे थे वहां से निकले बारिश रुका हुआ देख के। अभी लायंस पॉइंट का डाला है, 30 मिनट्स बता रहे हैं, पर 30 मिनट में कुछ वेदर का पता नहीं, अभी तो बारिश रुकी हुई है, पर लायन पॉइंट पर पहुंचने के बाद देखते हैं वेदर कैसा रहता है। बस इसी तरह का मौसम भगवान जी बनाए रखे तो हम लोग अच्छे से सब कुछ देख वेख लेंगे। No lion point, only clouds and clouds and clouds. Cloud point. Cloud point बन गया है। Cloud. जो lion point है वो pointless हो गया है अभी मानसून के मौसम में, कुछ भी व्यू नहीं है, नीचे पानी और उधर क्लाउड, इवन घाटी भी नहीं दिख रही। अभी हम लोग गाड़ी से आ रहे थे तो गाड़ी के आगे बस 20 मीटर का वजन था, उससे आगे क्या है वो भी नहीं पता चल रहा था, और देख ही रहो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उसके आगे क्या है, सब बादल ही बादल है और एकदम ठंडी हवा चल रही है।
किस मतलब अगर मन है भी ना लोनावला आने का और छोटे बच्चे के साथ या बूढ़े के साथ आ रहे हो तो स्वेटर वगैरह पहना के लाना, क्योंकि एकदम ठंडी हवा चलती है। इधर सेल्फी टाइम चल रहा है। लाइन पॉइंट से हम लोग नीचे जा रहे हैं, टाइगर पॉइंट गए नहीं, मुंशी डैम जाके देखते हैं उधर का क्या ख्याल है। मुंशी डैम यार, मुझे बूशी डैम है, मुंशी डैम याद आता है। मुंशी डैम है अभी कि नहीं? सच में कहीं और है। मैं ये लोनावला के बूशी डैम को, अच्छा मैं बूशी डैम को मुंशी डैम कर रही हूँ तब से। क्या रुके हो यार बीच रोड पे? 20 मीटर का मतलब गाड़ी से 20 मीटर के आगे कुछ दिख भी नहीं रहा, इतना बादल है। तुक्के पे गाड़ी चल रही है, बस अपने लेन पे गाड़ी चलानी है। तुक्के पे नहीं चल, रिस्पॉन्सिबिली तुक्के पे नहीं चल रही है, लेन पे सही से रखो तो बस उसी पर डिपेंडेंट है, बाकी दिख कुछ आके रहा नहीं है। बस भाई बस भर भर के आ रही है लेकिन दिख कुछ रहा नहीं है। मैंने अपना पहला व्लॉग यहीं के ट्रिप से स्टार्ट करा था, 2 साल तो हो गए होंगे मुझे लग रहा है, और उसके बाद अभी हम लोग लोनावला आए हैं। इधर ही हम लोगों ने पार्क करी थी अपनी गाड़ी, आज भी इसी मानिक मोती में आए हैं और इधर ही पार्किंग करी है, क्योंकि ये बिल्कुल ये बूशी डैम, मेरे मुँह से मुंशी डैम निकल रहे, बूशी डैम के बिल्कुल सामने है ये वाला होटल। तो अभी गाड़ी इधर ही पार्क करिए तो वो सब कुछ याद आ रहा है। पार्किंग बहुत महंगी है, 100 रुपीज़ की पार्किंग है, और एक यहाँ पे डैम देखने के लिए एक्साइटेड है। ये डैम देखेंगे। लोनावला है और क्रॉकरी शॉप पे ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिर्फ 2 मैगी वाली प्लेट ली है छोटी छोटी, और अब बूशी डैम के सामने ही लाइन से सारा ये क्रॉकरी का ही सारा शॉप है, तो इधर से ले लिया। अरे बेल्ट नहीं है। बूशी डैम देख लिया, अब जा रहे हैं हम लोग वैक्स म्यूजियम की तरफ, और अभी तो सिर्फ 11:30 बजे हैं, इतनी जल्दी हमारा ट्रिप क्लोज होने पर। बूशी डैम में हमारी जैसी गलती बिल्कुल भी ना करें। लोनावला आ रहे हो, घर से 2 सेट कपड़े लेके चलो, बूशी डैम बिल्कुल मतलब नहाने जैसा अभी हो रखा है बूशी डैम पे, तो बिना नहाए तो मतलब कोई मतलब, हाँ बिना नहाए कोई मतलब नहीं है इधर आने का, नहाने के हिसाब से ही आओ, वरना सिर्फ देखने के हिसाब से बूशी डैम आ रहे हो तो पूरा नुकसान का सौदा है। तो हम तो देख के ही जा रहे हैं, क्योंकि नहाने जैसा कुछ प्रोग्राम भी नहीं था, घर पे सबकी तबीयत अभी डाउन है, बट वहाँ पे जो लोग नहा रहे थे या थोड़ी सी बारिश में हम लोग भी भींगे, इतना मजा आया ना। तो वही मैं बोलूंगी बस कि बूशी डैम अगर आ रहे हो ना तो कपड़े एक्स्ट्रा लेके आना और नहा के जाना, तभी फायदे के सौदे में रहोगे। अभी वैक्स म्यूजियम जा रहे हैं और उसके बाद पता नहीं, उसके बाद तो हम लोगों की जानकारी में है नहीं कुछ की कुछ और है यहाँ देखने लायक, उसके बाद सीधा घर चलेंगे। क्योंकि उज्जवल ने नेक्स्ट ट्रिप भी प्लान कर रखी है अपने दोस्तों के साथ, चल जाती है ऐसे कंटिन्यू ट्रिप मिल जाती है। तो ये जो है इतना बिजी, वेरी कट टू कट शेड्यूल, क्या वो क्या कहते हैं जो अपने काम के प्रति डेडिकेशन, एक ट्रिप के बाद इसने दूसरी ट्रिप उठा रखी है। अभी हम लोगों को ज्यादा घूमने का मन भी हो ना तो इस ड्राइवर के पास ही अपने टाइम है, अपन के पास तो पूरा टाइम है। इधर आके फुल नॉस्टैल्जिया आ रखा है, इधर बैठ के हम लोगों ने खाना खाया था मैकडी में, और यहाँ पर ही मॉल के अंदर ही सुनील वाला वैक्स म्यूजियम है। 500 वाला कॉम्बो लिया है जिसमें हम घूमेंगे वैक्स म्यूजियम, प्लेनेटेरियम, हॉरर हाउस और VR मूवी। चलिए सॉक्स भी खोलना है क्या? प्लेनेटेरियम वाले में सच में हम लोगों ने एक नींद अपनी पूरी कर ली थी, इतना बोरिंग लग रहा था, और वही नींद हॉरर मूवी वाले में एंटर करते ही उड़ गई। Thank you.
व्लॉगिंग के लिए मैंने उज्जवल को वीडियो शूट करने के लिए कैमरा पकड़ाया, पर उसकी नजर अपने जीजा जी पे। पौने 4 बजे ट्रिप खत्म हो गई। लोनावला से आ गए पुणे, और पिछले 2-3 बारी से क्या हो रहा है कि गाड़ी में मैं बैठ रही हूँ ना, तो मुझे ये नेक वाला पेन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि गाड़ी में बैठ के हम लोग एक साइड ही देखते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से मुझे नेक में एक साइड पे किधर भी जिधर भी की साइड भी मैं देख रही हूँ तो पहले नेक से स्टार्ट होता है, उसके बाद वापस पूरे सर्वर में पकड़ लेता है, उधर से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है गाड़ी में बैठने की वजह से। ये मैं 2-3 बारी से नोटिस कर रही हूँ, अब तो पहले से मेरा काफ़ी ठीक हो चुका है, बट गाड़ी में बैठने पे वापस ट्रिगर हो जा रहा है। पर शुक्र है कि अभी मुझे पेन किलर नहीं खाना पड़ता, अभी मेरे को ये पूरे अंदर मतलब ये क्या बोलेंगे जबड़े कान आँख इन सब में दर्द चालू हो गया है, बट अभी मैंने पेन किलर खाना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा स्प्रे मिल गया है, ये हॉस्पिटल वगैरह में नॉर्मली मिलता नहीं है, बहुत ही अच्छा असर करता है। जब पेन किलर खाने से अच्छा यही लगता है कि स्प्रे कर लो और बस ठीक हो जाता है 10-15 मिनट में, अभी तो ज़्यादा बढ़ गया है तो थोड़ा टाइम जाएगा, बट हाँ ये स्प्रे से ठीक हो जाता है। शाम को मिलती हूँ आपसे, और जो मैं लेके आई हूँ मैगी प्लेट वगैरह वो सब मैं आपको शाम को दिखाऊँगी। ये रहा दलिया, और यहाँ पे है दही, दही जमाया हुआ है तो दलिया और दही चलेगा। चलिए लोनावला से जो सिरेमिक पॉट आया है मैगी पॉट उसको ओपन कर लेते हैं। सर दर्द हो रहा था तो मैं ज्यादा अच्छे से इस व्लॉग को बना नहीं पाई, पर जितना भी बनाया है उसको मैं एडिट करके डाल दूंगी। ऋषि डैम सिर्फ नहाने वालों के लिए, बारिश जिसको पसंद है बारिश में नहाना उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। मैंने लिया है ये मैगी पॉट, इससे भी ज्यादा अच्छे अच्छे कलर थे वहां पे, पर मैंने ये वाला इसलिए लिया क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी पहले सिरेमिक के पॉट वगैरह ले रखे हैं तो वो मैंने इसी कलर में ले रखे हैं, तो मुझे एक सेट जमा करना है धीरे धीरे, और मैं सब अलग अलग कलर और डिजाइन के ले लूंगी तो पूरा सेट नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए इससे भी अच्छे अच्छे कलर थे बट मैंने ये वाला लिया। दोनों सेम है ना, एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखो बस इसीलिए। अगर ये पॉट मैंने ऑलरेडी नहीं लिया होता तो फिर मैं कोई दूसरा कलर ले लेती, बट अभी मुझे धीरे धीरे करके काफी कुछ लेना है तो मैं सोच रही हूँ कि सब अब इसी कलर में इसी पैटर्न में लूंगी तो एक सेट बन जाएगा। 6 प्लेट, 6 कटोरी, 1 ट्रे, 1 केतली, कप, बहुत कुछ लेना है, पर किराए के घर में ना शिफ्टिंग वगैरह में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो अभी के लिए तो मेरे पास ये 3-4 चीजें ही है, बाद में कभी लिया जाएगा। चलिए जी, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और जल्दी ही आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।